नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीएससी का एक इंफॉर्मेशन वीडियो। जैसा कि जो भी सीएससी एजेंट है उनको एक प्रॉब्लम आ रही है रेलवे टिकट बुक करने में। सभी सीएससी वीएलए को सीएससी के द्वारा आईआरसीटी का आईडी दिया गया था, जिसको हम यहाँ जाकर सर्च कर सकते हैं। तो आप तो करके दिखा देता हूँ, IRCTC रेलवे पोर्टल। तो जैसे आप इस trainbooking.cscloud.in वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ आपको लॉगिन के लिए कहा जाएगा। यहाँ बड़ी आसानी से लॉगिन कीजिए। ये डू एंड डू नॉट जो पहले भी दिखाई देते हैं दिखाई देंगे। जैसे आप सीएससी पोर्टल से लॉगिन करके इस पोर्टल पे आते हैं तो आपकी आईडी, जैसा मेरा नाम यहाँ आ रहा है, बाय डिफॉल्ट लॉगिन दिखाई देगी, परंतु आप यहाँ पे टिकट बुक नहीं कर सकते। जैसे अभी अभी हम एक टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं सिरसा से दिल्ली। तो मैंने सिरसा से दिल्ली एक टिकट बनाने की कोशिश की, तारीख रैंडमली अगस्त की कोई भी 8-9 तारीख देते टेस्टिंग के लिए। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप यहाँ से टिकट बुक कर ही नहीं सकते। देखिए, जैसे ये टिकट बुक करने की कोशिश की, दोबारा आप यहाँ पर आ गए। दोबारा से लॉग इन करते हैं, दोबारा से ट्राई करते हैं, दोबारा से एक बैनर आता है, आईडी लॉग इन है। और इस बार हम एक वेबसाइट पर आए हैं जिसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली। तो IRCTC की जो टिकट ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट थी वो हो गई है बंद। अब जो न्यू वेबसाइट है वो है csc-safar.in। आपको csc-safar.in पर आना पड़ेगा। इस वेबसाइट के जरिए ही आप अपने रेल की टिकट को सीएससी पोर्टल से बुक कर सकते हैं। तो दोबारा आपको बता दें, जैसे मैं इसको बंद करके एक बार दिखा देता हूँ, जैसे आप IRCTC लिखते हैं तो IRCTC के जो पुराने बुकिंग पोर्टल है उस पर आप आ जाओगे, जिसका नाम था trainbooking.cscloud.in। इस पर जैसे आप लॉग इन करोगे, आप इस पर आई हैव करके प्रोसीड करोगे तो आप लॉग इन हो जाओगे। अभी भी पोर्टल का नाम देखिए, trainbooking.cscloud, बट यहाँ एक मार्क्यू भी चला रखा है इन्होंने, नाउ कैन यू बुक टिकट फ्रॉम द csc-safar.in। तो नया जो टिकट एजेंट है सीएससी का, उसके लिए जो पोर्टल अवेलेबल है उसका नाम है csc-safar.in। तो देखते हैं csc-safar.in पर जाकर, जैसे आप csc-safar.in पर जाएंगे तो उसी सीएससी की तरह आपकी आईडी यहाँ भी बाई डिफॉल्ट लॉगिन ही मिलेगी। आपका सीएससी कोड, आपका एजेंट आईडी, सब कुछ मिलेगा। सिर्फ आपको कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब आप अगर बुकिंग बनाएंगे तो आप बुकिंग को कर सकते हैं। सिरसा लीजिए, यहाँ से आपको लेना है दिल्ली। एग्जाम्पल, पूरा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे, टिकट बुक कैसे होता है। नए पोर्टल सीएससी के सफर वाले जो नए पोर्टल, उसमें 9 तारीख का फाइंड द ट्रेन, आपको ट्रेन आ जाएंगी उस दिन, जितनी भी सिरसा से वहाँ तक की विद क्लास आ जाएगी। जैसे फर्स्ट जो ट्रेन है सिरसा एक्सप्रेस, इसमें सिर्फ एसी चेयर कार है। नेक्स्ट है किसान एक्सप्रेस, एसी 3 टायर, एसी चेयर कार सेकंड क्लास। देन ये श्रीगंगानगर दिल्ली एक्सप्रेस है, इसमें स्लीपर क्लास है केवल। और एक कोई गोरखधाम एक्सप्रेस है, इसमें भी 4 कैटेगरीज है, स्लीपर क्लास, एसी 3 टायर, एसी 2 टायर, फर्स्ट क्लास। सो एग्जाम्पल, हमें मान लीजिए इस ट्रेन में बुक करना है, इसको क्लिक करेंगे, अवेलेबिलिटीज आपके सामने आ जाएगी। डेट वाइज 9 तारीख का हमने सर्च किया था, अवेलेबिलिटी दिखाई दे रही है 9 का भी, 10 का भी, 11, 12, 13 और 14 तारीख का। तो मान लीजिए हमने 9 तारीख पर क्लिक करना है। हमारी एक और नंबर से मास्टर लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से हम एक पैसेंजर ऐड कर देते हैं। इस पैसेंजर को हम एडिट भी कर सकते हैं। मास्टर लिस्ट से खाली एक बार डेटा लाना जरूरी है। उसके बाद मैं मान लीजिए मेरा नाम दे देता हूँ, मेरी एज दे देता हूँ, हम बुकिंग को बना सकते हैं। देन उसके बाद आपको इंश्योरेंस लेना है या नहीं, येस या नो, और आप कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो अमाउंट है वो आपको पे करना है, पे करने पे क्लिक करेंगे तो आप सीएससी पोर्टल पर भेज दिए जाएंगे। आपके सीएससी वॉलेट में इतना बैलेंस है तो टिकट यहाँ से बुक होकर मिल जाएगी, अदरवाइज आपको ऐड आ जाएगी। तो ये था सीएससी सफर। तो यहाँ इस वीडियो में हम आपको दो चीज़ बताए कि एक तो आपको क्या नहीं करना है, आपको ट्रेन बुकिंग सीएससी क्लाउड डॉट इन पर काम नहीं होगा,
आपको लिए चाहिए तो चाहिए क्या सीएससी सफलता। तो हमारे चैनल पर बने रहें, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू एंड बाय बाय।